India Boys, aapki soch, aapki awaaz. शहीदों को नमन। 1 सितंबर 1994, यह तारीख कौन भूल सकता है। उत्तराखंड के इतिहास में यह तारीख दर्ज है, ना सिर्फ इसलिए कि राज्य आंदोलनकारियों ने अपने सीने पर गोलियां खाई, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस तारीख ने पूरे उत्तराखंड आंदोलन की सूरत को बदल कर रख दिया। 1 सितंबर 1994 खटीमा गोलीकांड, लेकिन आज 24 साल पूरे होने के बाद भी राज्य आंदोलनकारियों का सपना क्या साकार हो पाया, यह एक अलग सवाल है। आज खटीमा गोलीकांड की बरसी पर इंडिया वॉइस सबसे पहले शहीदों को शत शत नमन करता है। आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, यही वो नारा था जिसने पूरे के पूरे उत्तराखंड आंदोलन की सूरत को बदल कर रख दिया। यही एक मांग थी हर किसी के जहन में, बस यही सवाल कि आखिरकार कब मिलेगा हमें हमारा उत्तराखंड। खटीमा के भीतर यही सवाल था और तब नारे गूंज रहे थे, सब कुछ शांत था फिजाओं में, लेकिन एकाएक उस आंदोलन की सूरत तब बदल गई जब पुलिस बर्बरता पर उतर आई। शासन बेकाबू हो गया और राज्य आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसी और गोलियां चल गई। एकाएक आंदोलन का रुख बदला, फिर उसके बाद तारीख आई 2 सितंबर, यानी कि मसूरी गोलीकांड, और फिर उसके बाद वो अक्टूबर का लम्हा जब रामपुर तिराहे पर गोलियां चली और महिलाओं की अस्मत तक लूट ली गई। बेशक पूरे राज्य ने उत्तराखंड राज्य की आंदोलन की लड़ाई को लड़ा, लेकिन राज्य आंदोलन में खटीमा गोलीकांड उस शहादत का गवाह बन गया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हर साल हर बार जब यह बरसी आती है तो सरकारें बदलती हैं, निजाम बदलते हैं, निजाम जाते हैं, और हर बार यह कहते हैं कि हम सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। वो बना नहीं बना वो एक अलग विषय है, लेकिन जरा सोचकर देखिए कि 1 सितंबर 1994 खटीमा गोलीकांड उत्तराखंड के संदर्भ में कितनी बड़ी तारीख है। काले अक्षरों में लिखा गया इस वाक्य को, यह बात हम क्यों कह रहे हैं देखिए जरा। राज्य आंदोलन के दौरान हुए खटीमा गोलीकांड को कैसे भूला जा सकता है। खटीमा ही वो जगह है जहां पर राज्य आंदोलन के समय 1 सितंबर 1994 को पुलिस ने हजारों आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर नरसंहार किया था। इस गोलीकांड में 7 राज्य आंदोलनकारियों की शहादत और सैकड़ों आंदोलनकारी जख्मी हुए थे। खटीमा गोलीकांड के बाद ही जन आक्रोश की चिंगारी पूरे उत्तराखंड में फैल गई। इसके फलस्वरूप एक लंबा संघर्ष, कई शहादतें और यातनाओं को सहकर आखिरकार 9 नवंबर 2000 को प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई। लेकिन खटीमा गोलीकांड की 24वीं वर्षगांठ के बाद आज तक खटीमा में एक शहीद स्मारक के निर्माण नहीं होने से राज्य आंदोलनकारी राज्य सरकार के रवैये से नाराज हैं। था इसीलिए ये शहादत हुई थी खटीमा के शहीदों की, लेकिन यहाँ शहीदों को भी धीरे धीरे भुला दिया जा रहा है। एक अदद शहीद स्थल निर्माण की बात थी, बार बार घोषणा हुई सरकार की, मुखिया ने की, उनके प्रतिनिधि ने की, लेकिन आज तक उस शहीद स्थल का निर्माण नहीं हुआ। उत्तराखंड के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के परिवार
आज भी उपेक्षा की शिकार है। राज्य सरकार की बेरुखी से शहीद परमजीत के माता पिता की आंखों में आंसू छलक रहे हैं, जो कि खटीमा गोलीकांड के शहीदों के परिवारों की व्यथा बताने के लिए काफी है। मैं साहब परमजीत शहीद का पिता हूं नानक सिंह। आज हमारे लड़के को शहीद हुए 20 साल हो गए, 22 साल हो गए। 1994 में शहीद हुआ था हमारा लड़का, एक ही लड़का था साहब, और वही लड़का जो था अपने शहीदी दे करके उत्तराखंड को जो था राज आंदोलन में शहीद हो गया। मुझे इसका कोई गम नहीं है। और साहब हम लोग जो जब दिवस आता है हम लोग अपने बेटे को याद करते हैं, रोते हैं, उसकी शक्ल देख देख के, उसका फोटो देख के रोते हैं। साहब ये सरकार ने हमारे साथ अन्याय है, हमारे साथ आज तक कोई सरकार ने अच्छाई नहीं की। हम लोग कभी कभी भूखे भी सो जाते हैं, मकान मालिक हमको चावल देता है खाने के लिए, किराया नहीं होता, बड़े परेशान हो जाते हैं, किराया देना मुश्किल हो जाता है। वहीं राज्य आंदोलन की प्रमुखता के साथ लड़ाई लड़ने वाले पत्रकार और छात्र नेता खटीमा गोलीकांड के दौरान पुलिस की बर्बरता को याद कर जहां आज भी चेहरे उठते हैं, तो वहीं शहीदों के सपनों का उत्तराखंड ना पाकर आज स्वयं और राज्य आंदोलन के दौरान शहादत को ठगा हुआ मान रहे हैं। उत्तराखंड में शहीद हुए उन तमाम आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जैसा कि 1994 में खटीमा में गोलीकांड हुआ और इसी गोलीकांड की परिणति थी ये उत्तराखंड राज्य आज हमें जो प्राप्त हुआ है, लेकिन जो विवशता, जो नरसंहार हमने झेला, पुलिस का बर्बरता हमने झेली, लेकिन उसका जो समुचित लाभ स्थानीय जनता को मिलना चाहिए था वो मिलना नामुमकिन हुआ है। दूरदर्शिता की वजह से यहाँ के शासन के, यहाँ के प्रशासन के लोगों के द्वारा अभी भी, मतलब आज हम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक क्षेत्र में 1994 उत्तराखंड राज्य आंदोलन का जो आंदोलनकारियों की मांग थी वो एक हृदय विदारक की घटना कही जाएगी। उसमें पुलिस ने जिस कदर उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर गोली चलाई तो वो बड़ा चिंता का विषय है। जो उसमें सब लोगों ने शहादत दी, उसी उन्हीं की शहादत के बदौलत आज उत्तराखंड राज्य बना है। लेकिन इतना आंदोलनकारियों के करने के बाद भी आज उत्तराखंड राज्य उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया जिसकी आंदोलनकारियों को उम्मीद थी। जिस उद्देश्य से यहाँ की उत्तराखंड की जनता ने जो आंदोलन किया, संघर्ष किया, बलिदान किया, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। पहाड़ का पलायन अभी तक रुका नहीं है। जंगल का जंगल, पानी, जवानी पहाड़ के वजह से कितना बनी हुई समस्या पड़ी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाली सरकार इस पर ध्यान देंगी, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। खटीमा गोलीकांड की बरसी पर हर साल शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन आज भी बलिदान और यातनाएं सहने वाले आंदोलनकारियों के दर्द को महसूस किया जा सकता है। राज्य के गठन की अवधारणा आज भी धरातल पर नहीं उतर पाई है, यानी उन्नत, समृद्ध, खुशहाल उत्तराखंड के सपने को आज भी राज्य आंदोलनकारी खुली आंखों से देख रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए खटीमा से हरीश मेहरा की रिपोर्ट। जी हाँ, शहीदों को नमन कर रहा है इंडिया वॉइस। दरअसल ये वो शहीद हैं जिनकी वजह से उत्तराखंड अपना उत्तराखंड मिला। आपको बता दें कि हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सुभाष भड़तवाल जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से, पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रदीप कुकरेती जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं। साथ साथ जगदेव सिंह यादव जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, पूर्व मंत्री भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुभाष भड़तवाल जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। मेरी आवाज पहुंच रही है भड़तवाल जी? नमस्कार भड़तवाल जी, आप सोच रहे होंगे मैं आपसे पूछूंगा कि सपनों का उत्तराखंड बना कि नहीं बना, है ना? आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन मेरा सवाल सीधा तौर से आपसे ये है कि मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार खटीमा आंदोलनकारियों की शहादत को प्रणाम करती है ना कि नहीं? जी हाँ तिलक जी, आपने एक ऐसा सवाल किया है जिसका उत्तर जो है उत्तराखंड राज्य स्वयं में है। मैं दूंगा इसका उत्तर। हमारे नौजवान इसीलिए सड़कों पर उतरे थे कि हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश में रहते हुए वो नौकरी में भेदभाव होता है, व्यापार में भेदभाव होता है, विकास में भेदभाव होता है, और जीवन के हर क्षेत्र में भेदभाव होता है। सुभाष भड़तवाल जी, सुभाष भड़तवाल जी, वो आंदोलन किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था। पहली बात जो दुर्दांतवादी, सुभाष भड़तवाल जी, वो किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था।
पहली बात। दूसरी बात, 1996 में देवगौड़ा सरकार ने पहले ऐलान कर दिया था कि उत्तराखंड हमने बनाएंगे, आप उस पर मत आइएगा। पहली बात आप सुनिए मेरी बात, आपकी सरकार मैं अगर बोल तो रहा हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि किसी पार्टी का आंदोलन था, मैं कहां पे शहादत को सलाम कर देगा, सड़कों पर उतरे, आप कहां पर शहादत होता है, सुभाष भरतवाल जी आप कहां पर शहादत को सलाम करने गए खटीमा में, मुझे ये बताइए। अरे हुजूर, हमने उत्तराखंड राज्य बना दिया सर, आपने एहसान नहीं किया, सुभाष भरतवाल आपने एहसान नहीं किया, ले लो ये उत्तराखंड आंदोलनकारियों का अपमान मत करिए यहाँ बैठकर। अटल जी ने सुभाष भरतवाल है देश में भारतीय जनता पार्टी की, आप उत्तराखंड आंदोलनकारियों का अपमान मत करिए, वो राज्य निर्माण का होगा, आप उत्तराखंड आंदोलनकारियों का अपमान मत करिए का काम किया तिलक जी। आपका सवाल मैं सोचता हूँ कि ये अप्रासंगिक है, मैं बता रहा हूँ आपको दुरुस्त नहीं है, अगर आप अगर मेरा सवाल गलत हुआ मैं डिबेट यही खत्म करूंगा, आपसे क्षमा मांगूंगा, आपसे क्षमा मांगूंगा सुभाष भरतवाल, आपसे क्षमा मांगूंगा यही पर श्रद्धांजलि के रूप में उन तमाम शहीदों को, वो चाहे मुजफ्फरनगर में हुए हों, खटीमा में हुए हों, वो मसूरी के झूलाघर पर हुए हों, उनके श्रद्धांजलि स्वरूप उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए पार्लियामेंट में लेकर आए। सबसे पहला काम हमने यही किया कि राज्य निर्माण के शहीदों के जवाब दीजिए सीधे सीधे, खटीमा गोलीकांड पर आप शहादत को प्रणाम करने कहां गए थे? खटीमा गए थे, सरकार गई खटीमा? हुजूर हमारे विधायक वहां जाते हैं, हमारे सांसद वहां जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाते हैं, जो वहां उस क्षेत्र के मंत्री हैं वहां जाते हैं, कहां दिक्कत है? दिक्कत मैं बता रहा हूं राज्य का निर्माण हमारी सरकार ने किया, एहसान नहीं किया, फिर आप एहसान दिलवा रहे इस मुजफ्फरनगर की घटना के बाद तमाम किसने राज्य दिलाया है। एक सेकंड, खटीमा में आपने कहा कि हमारे सांसद जाते हैं, हमारे विधायक जाते हैं, हमारी सरकार जाती है, सर वहां पर शहीद स्थल है क्या? नहीं देखिए, जहां पर भी श्रद्धांजलि सभा होती है, जहां पर भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम होता है, जहां पर भी वो उन लोगों की जो है, क्या गंभीरता है आपकी सरकार की, उत्तराखंड उत्तराखंड देकर एहसान जताने वाले बीजेपी नेता, आप ये नहीं बता पा रहे कि वहां पर श्रद्धांजलि सभा है या नहीं है, शहीद स्थल है या नहीं है, वहां सवाल को आप अपमान कर रहे हैं। समझ रहा हूँ कि स्मारक की बात है, यदि स्मारक वहां नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, आप और जानकारी दीजिए। आप मुझे कह रहे थे ना मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार था, आप मुझे एक बात और बताइए, कितने वहां पर आंदोलनकारी शहीद हुए थे बताइए सर? आपके पास तस्वीरें नहीं है उनकी? 9 या 10 आंदोलनकारी उसमें शहीद हुए हैं सुभाष भरतवाल जी की घटना में। सुभाष भरतवाल जी आंदोलनकारी नहीं, नहीं, अरे हुजूर तो मेरे पास होने की आवश्यकता थोड़ी ही है, सुभाष शासन के पास होना चाहिए, जो संबंधित मंत्रालय आप पूछिए शासन से, शासन किसका है? आप कहोगे कि मेरे घर में शासन किसका है सुभाष भरतवाल, तिलक भाई शासन किसका है सुभाष भरतवाल, शासन किसका है? मुझे चुनौती देने का काम न करें। नहीं नहीं, मैं चुनौती नहीं दे रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो आप जो है मुझे आप चुनौती देने का काम, मुझे अच्छा नहीं, ये जो सरकारें जाती है ना राज्य बनने के बाद, राज्य बनने के बाद मुझे बताइए राज्य आंदोलनकारी की तस्वीरें कहाँ हैं? राज्य आंदोलनकारी की तस्वीरें कहाँ हैं? अच्छा नहीं लगा, तस्वीरें कहाँ हैं सुभाष भरतवाल, तस्वीरें कहाँ हैं राज्य आंदोलनकारियों की, कहाँ हैं तस्वीरें उनकी? अरे हुजूर, ये तस्वीरों वाला जो सवाल आप बार बार कर रहे हैं वो मुझसे क्यों कर रहे हैं आप? सरकार किसकी है? अगर कोई स्मारक नहीं है तो स्मारक वहां पर निर्माण करने का काम सरकार करेगी। अभी कल ही हमारे वित्त मंत्री ने जो है तमाम आंदोलनकारियों के नैनीताल के अंदर जो उनका सम्मेलन हुआ उसमें राज्य का पहला मुख्यमंत्री को मानने पर सहमति प्रकट की है, उन्होंने कहा है अगर उसमें खटीमा में शहीद स्मारक की मांग भी होगी तो उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। इसको दूसरे रूप में ट्विस्ट करना ठीक नहीं है। दूसरे राज्य आंदोलनकारी की हैसियत से भी बैठा हूँ यहाँ के पार्टी के नेता के रूप में नहीं बैठा हूं। अगर आप नहीं बैठे होते तो आप खुलकर ये बात कहते। आप मुझे सवाल का जो पहला राज्य का उत्तराखंड का राज्य आपने दिया ना, आप ये कह रहे हैं पहला मुख्यमंत्री कौन था?
किस सरकार का था? सर इस देश की पहला मुद्दा, अरे हुजूर जी तो इतिहास में लिखा है सर, मैं नाम तो पूछ रहा हूँ नित्यानंद स्वामी का। आपके सवालों पर मुझे जो है बड़ा कौतूहल हो रहा सर, है सर, आप जवाब नहीं दे पा रहे। स्वामी जी पहले मुख्यमंत्री इस राज्य के, क्या दिक्कत है? अब मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, वहाँ पर जो विधायक है वो कितनी बार से नित्यानंद स्वामी थे, आप पूछ रहे हैं कौन थे? सर मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, आपके जो विधायक है कितनी बार से विधायक है खटीमा से, पुष्कर सिंह धामी साहब? नहीं देखिए ये कोई सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता नहीं होगी। प्रतियोगिता की बात ही नहीं कर रहा, कितनी बार से कोई विधायक तीन बार से है। आप आंदोलनकारियों से संबंधित आंदोलनकारियों से जुड़ता सवाल पूछ रहा हूं, उनकी डिमांड से सांसद कौन है वहां से? भगत सिंह कोश्यारी पूर्व मुख्यमंत्री, अब भी आप कह रहे हैं कि भाई शहीद स्मारक हम बनाएंगे, हमें मालूम नहीं राज्य आपने बनाया। खैर छोड़िए सुभाष भरतवाल जी, अब मैं आता हूँ सपनों के उत्तराखंड पे। प्रदीप को कहती जी, सर एहसान तो इन्होंने जता दिया कि राज्य हमने बनवाया, ये सोच रहे थे मैं पूछूंगा सपनों का उत्तराखंड बना गया, मैंने पूछा नहीं, नाराज हो गए। आप बताइए सर, प्रदीप सर, मैं बहुत सम्मान करता हूँ राज्य आंदोलनकारियों का दिल से। तिलक जी देखिए सर्वप्रथम आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से तमाम राज्यवासियों की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि, और सुभाष भाई हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने निश्चित रूप में इस आंदोलन में भाग लिया, लेकिन ये किसी भी पार्टी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड बनाया। वो स्वयं हस्ताक्षर रहे हैं सुभाष भरतवाल जी एक छात्र नेता के रूप में उस राज्य आंदोलन में, और हम लोग जिस राज्य के लिए इस मातृशक्ति ने, बुजुर्गों ने, सैनिकों ने, छात्रों ने किस प्रकार से जो शहादत दी और जो बिल्कुल सड़कों पर आने को मजबूर हुए, ये किसी सरकार का दायित्व नहीं। आप ये तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी जी ने अपना कोई कमिटमेंट करने के लिए उस प्रस्ताव को पास करने में सहयोग दिया, उसका हम निश्चित रूप में स्वागत करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन अगर कोई पार्टी ये कहे कि ये मैंने बनाया है तो वो बहुत बड़ी गलत बात है। दूसरी बात, मैं अभी 2 साल पहले भी, क्योंकि लगातार खटीमा में शहीद स्मारक नहीं बना, मैं पिछली बार व्यक्तिगत रूप से श्री माननीय अजीत रावत जी से पूर्व मुख्यमंत्री मसूरी गोलीकांड की पर्ची को उनके मैंने उनके कान में कहा, मैंने कहा सर आप जाते जाते इसका अब कार्यकाल समाप्त होने वाला है, शहीद स्मारक दे दीजिए, वहाँ लोग श्रद्धांजलि नहीं दे पाते हैं, इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी कि परमजीत परिवार के यहाँ से फोटो मांग के लानी पड़ती है, ये इससे बड़ी विडम्बना इस प्रदेश की क्या होगी। और जब यहाँ पे माननीय अमित शाह जी आते हैं तो पूरी सड़कों पे चूना छिड़क के, बैनरों से पाट के पूरी तमाम व्यवस्था कर दी जाती है, जबकि कांग्रेस के जो भी, चाहे मनोज तिवारी जी हैं या पूर्व जो आए, तमाम सड़कें पाट दी जाती हैं, लेकिन शहीदों के लिए, शहीद स्मारक के लिए, शहीदों की फोटो के लिए यहाँ पे धन शायद नहीं है, या वो सरकार कह दे कि हमारे पास नहीं है। आज कचहरी परिसर में जब श्रद्धांजलि देते हुए आप शहीदों की फोटो को देखिए कैसे फंगस लगी हुई है उसमें जे। और ये मतलब एक कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए, विभागों को सोचना चाहिए, कहाँ है संस्कृति मंत्री, कहाँ है संस्कृति विभाग, कहाँ है जिला प्रशासन, आज वहाँ काई लगी हुई है। और खटीमा भरतवाल जी पीड़ा समझ रहे हैं आप, मुझे एक दो सड़कों के नाम बताइए सर, शायद हो सकता है कि मेरा ज्ञान ना हो, जो राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर रखी गई हो। सुभाष भरतवाल जी नहीं देखिए सड़कों का ही विषय नहीं है, नहीं मैं बता रहा हूँ अलग अलग जगहों पर जो है राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर, आप ये नेहरू कॉलोनी के अंदर जो है शहीद उसकी मूर्ति लगी हुई है, रविंद्र रावत पोलू की मूर्ति लगी हुई है, लगी हुई है दीपक वालिया द्वार वहाँ बना हुआ है जोगी वाले के अंदर, नाम रखा ऐसे ही साहब हर जिले में बने हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ देखिये राज्य आंदोलनकारियों ने जो भूमिका निभाई वो अविस्मरणीय है, उनके उस योगदान का जो कोई मूल्यांकन वो उसका कोई जो मूल्यांकन आप नहीं कर सकते हैं, वो अपरंपार है, इसलिए बहुत सारी चीजें करने का प्रयास सरकारों ने किया, आपने मूल्यांकन किया, आपने कहा कि हमने राज्य दिया, चीजें नहीं हो पाई हैं उनको मैंने आपने करेक्ट किया, सरकार आगे आने वाले समय में करेगी। सुभाष भरतवाल जी 18 साल होगा राज्य को, तो ये तो ऐतिहासिक सत्य है ना साहब, 18 साल राज्य आंदोलनकारियों के मांग पे, उनके संघर्ष पे, उनके बलिदान पे, उनके त्याग पे, उनकी तपस्या पे,
हम ही ने तो जो है पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया ना साहब, कांग्रेस ने तो नहीं किया सर। संयुक्त मोर्चे की जो है देवगौड़ा की सरकार थी, उस समय इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, यहाँ देवगौड़ा साहब आए, इतिहास पे जाऊंगा तो बहुत दिक्कत होगी। उन्होंने कहा था एक सेकंड सुभाष जी, तो नहीं ना राज्य आंदोलनकारी सुभाष जी एक सेकंड, आपकी सरकार का ध्यान कहाँ है मैं आपको दिखाऊंगा अभी, एक सेकंड रुकिए। जगदेव जी, मुलायम जी कहते थे कि ये राज्य नहीं बनना चाहिए, विकास नहीं कर पाएगा, छोटे राज्य के पक्ष में नहीं थे, ये तो कहां से कहां पहुंच गए, अफसोस होता है आपको, गोलियां चलवाई। एहसानवादी पार्टी कभी भी राज्यों के विखंडित करने के, विभाजन करने के पक्ष में नहीं रही। माननीय मुलायम सिंह, एक बड़े राज्य की अपनी स्थिति होती है, हम लोग आज भी नहीं चाहते किसी राज्य का कोई विखंडन हो, लेकिन जनता की मांग होती है, जन आंदोलन होते हैं, तो तमाम तरह के राज बने, उत्तराखंड बना, आपका छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, ये कई का बड़े बड़े राज्यों का विभाजन हुआ, लेकिन विभाजन के बाद जो अस्तित्व में सरकारें आती हैं, ये उनका उत्तरदायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे जो आंदोलनकारी रहे हैं और जिनका जिन्होंने अपनी जो शहीद हुए हैं प्रदेश बनने के लिए, उनका सम्मान होना चाहिए और उनके नाम पे स्मारक बनना चाहिए, उनके नाम पे। जगदेव यादव, आपने कितनी स्मारक बनाई, आप कह रहे हैं कितनी स्मारक बनाई, खटीमा में मैंने देख लिया जो स्मारक आपने बनाई, मसूरी में आपकी स्मारक जिंदा है आज भी, और रामपुर तिराहे में भी आपकी स्मारक जिंदा है आज भी। जगदेव यादव, मुझे ये बताइए, आपको अफसोस है, अफसोस है कि नहीं? क्यों स्मारक बनाता, समाजवादी पार्टी प्रदेश विभाजन के पक्ष में नहीं थी सर, अफसोस है, अफसोस है जगदेव यादव या नहीं? जगदेव यादव, समाजवादियों को या नहीं, पक्ष में रहते हैं ये, लोगों को डंडे से मारने, एक सेकंड बर्तवाल जी, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रशासनिक जिम्मेदारी का निर्वाह किया, अफसोस है या नहीं? आपकी स्मारक मैं बता रहा हूँ ना, आपने स्मारक बनवाई है, आपने खटीमा में बनवाई है, आपने मसूरी में बनवाई है, आपने रामपुर तिराहे पे बनवाई है स्मारक। जगदेव यादव, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि अफसोस है आपको या नहीं? उसके बाद तो सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद सरकार आई कांग्रेस की, इनकी जिम्मेदारी, और उत्तरांचल में तो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही। आपको अफसोस जगदेव यादव है या नहीं? समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी को अफसोस है या नहीं? ये गोलियां जो चली थी, किस बात का अफसोस? जो शहीद हुए थे, गोलियां चली वो नहीं, शहीदों को नमन करते हैं, नमन मत करिए, गोलियां चली थी, अफसोस है या नहीं? सिद्धांत के आधार पर, देखिए सिद्धांत के आधार पर समाजवादी पार्टी कभी भी प्रदेश विभाजन पक्ष में थी, नहीं रहेगी, ये आप मत समझ लीजिए। सर अफसोस है या नहीं? आप पक्ष में नहीं थे वो सब जानते हैं, उसके लिए अफसोस, आप पक्ष में नहीं थे, 72 पर गोलियां चली, अफसोस है या नहीं? वो आबरू लूटी गई, अफसोस है या नहीं? जगदेव यादव, अफसोस है या नहीं? अफसोस क्यों नहीं, किसी के मृत्यु हो, अफसोस होना ही चाहिए, अफसोस है। सद्दाम जो हमारे शहीद हुए हम उनको नमन भी करते हैं, नमन मत करिए। पार्टी क्या हत्याकांड पक्ष में रहती है, कोई कोई शासन प्रशासन नहीं चाहता कि कोई निर्दोष मारा जाए, किसी के बल दी जाए, किसी की जान दी जाए, कोई शासन नहीं चाहता। और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह कतई नहीं चाहते थे कि किसी की वहां पे शहीद हो जाए, कोई किसी मत हो जाए, उसमें तो उससे स्वाभाविक है कि हम अफसोस करते हैं, शहीदों को नमन करते हैं, लेकिन अफसोस करिए उसके बाद उनका स्मारक बनाने की, अफसोस मैं कर रहा हूँ, उसके बाद उनका स्मारक बनाने की जिम्मेदारी, पहली बार किसी समाजवादी पार्टी के नेता से मैंने सुना अफसोस हो रहा है। जो वहां सरकार में बैठे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, चाहे कांग्रेस को हो, उनकी दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी है, कृपना में उसको करें, ठीक है, सही श्रद्धांजलि उनको दे, ठीक है, उनके नाम पे स्मारक और ठीक है जगह बनाने के ठीक बाद है। आप लोग जाएंगे ना, सम्मान हम सभी करते हैं, नमन भी करते हैं। हाँ ठीक है सर, एक सेकंड, एक ब्रेक ले रहा हूँ मैं, सुभाष जी एक ब्रेक ले रहा हूँ, प्रदीप जी ब्रेक ले रहा हूँ, जगदेव जी ब्रेक के उस पार तमाम सवाल है, सवालों के जवाब चाहेंगे कि आखिरकार क्या सपनों का उत्तराखंड बन पाया, ये तो सवाल हर बार खड़ा होता है, लेकिन उससे आगे क्या, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।
1 सितंबर 1994, ये वो तारीख जो उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये वो तारीख है जिसने उत्तराखंड के सीने पर ना जाने वो ना भरने वाला घाव दिया जो आज भी तड़पा जाता है। इसके बाद मसूरी गोलीकांड और फिर उसके बाद रामपुर तिराहा कांड। सवाल कई बार खड़े होते हैं और सवालों के केंद्र में हर बार सरकारें होती हैं, निजाम बदलते हैं, एक बार जाते हैं दूसरी बार आते हैं और फिर सवाल यही खड़े होते हैं कि सपनों का उत्तराखंड कब बनेगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन का जिक्र करें तो पूरे विश्व में एक ऐसा आंदोलन बन गया जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ना सिर्फ भागीदारी की बल्कि इस पूरी लड़ाई का रुख तक मोड़ दिया। हर राज्य आंदोलनकारी की जुबान पर बस यही बात, आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो। लेकिन उस उत्तराखंड राज्य की कल्पना जो की गई थी, क्या वो पूरी हुई? इंद्रमणि बड़ोनी से लेकर वो तमाम राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने सपना देखा था कि अपने पहाड़, अपना राज्य, जल जंगल जमीन, सुनिए जरा। दुख पहुंचता है क्योंकि हम एक युवा थे, हमारे दिल में भी एक इस राज्य के प्रति जो सोच थी, जो दिशा थी, तो वो कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता है कि यार अब कहीं ना कहीं जो है जिस उद्देश्य के लिए राज्य बनाया था वो कहीं ना कहीं जो है उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है। सपनों का उत्ती है, चाहे खटीमा हो, चाहे मसूरी हो, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, चाहे बाटा घाट हो, चाहे ये करणपुर का कांड हो, लेकिन खटीमा कांड एक ऐसी घटना हुई थी उत्तराखंड राज्य आंदोलन, प्राप्ति आंदोलन में, कि जिसमें कि उत्तराखंड बना बिल्कुल सपनों का उत्तराखंड। तो सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सुभाष बड़तवाल जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से, प्रदीप कुकरेती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, जगदेव सिंह यादव जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी की ओर से पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। बड़तवाल जी, आप ही से शुरू करना चाहेंगे हम सियासी चर्चा को। आपने कहा कि आपकी सरकारों ने काम किया, राज्य आंदोलन में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे उनका सम्मान किया, और हर बार करते हैं, एक तारीख को करते हैं, फिर दो तारीख को करते हैं, फिर उसके बाद रामपुर तिराहा कांड होता है तब करते हैं। सीएम साहब गए क्या खटीमा? नहीं, देखिए तिलक भाई, जो राज्य आंदोलन के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसमें देखिए 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहे पर जाने की परंपरा है, यहाँ पर जो है शहीद स्मारक देहरादून के अंदर आने की परंपरा है, 9 नवंबर को भी जो है शहीद स्मारक देहरादून पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सरकार के प्रतिनिधियों के आने की परंपरा है, मसूरी के झूलाघर पर जो है उस तिथि को 2 अक्टूबर को जाने की परंपरा रही है, वहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं, मंत्री जाते हैं, स्थानीय विधायक जाते हैं, खटीमा में जाने की परंपरा नहीं रही है, लेकिन यदि भविष्य में जो है सरकारें निर्णय करेंगी और जाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, स्वीकार करता हूँ इस बात को, अगर मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं तो स्थानीय विधायक को जाना चाहिए, सांसद को जाना चाहिए, उनको वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। सुभाष भड़तवाल जी, बहुत अच्छा लगा आपने स्वीकार किया। आप जिन जिन जगहों के आपने नाम लिए ना, वो देहरादून में शहीद स्मारक हो या फिर मसूरी में जहाँ पर आप लोगों ने वो बनाया हुआ शहीद स्थल, या फिर रामपुर तिराहा, या आपके देहरादून के बहुत नजदीक पड़ते हैं, और उस कल्पना के बारे में जिक्र करिए। मैं उस कल्पना पर आता हूँ। दरअसल मैंने ये बात क्यों पूछी आपसे, जानते हैं आप क्यों? मैंने इसलिए आपसे पूछी जिस कल्पना का जिक्र गैरसैंण में बैठे वाले किया था, जिस कल्पना का जिक्र खटीमा में किया था, ये पहाड़, जल जंगल, जमीन का जिक्र सिर्फ देहरादून तक के लिए कल्पना नहीं थी। जरा सोच कर देखिएगा ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये कि आपकी सरकारों ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्या किया, बताइए। लेकिन तिलक भाई आपको समझना पड़ेगा, देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं राज्य आंदोलन में, जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो रामपुर तिराहे में हुई, वो देहरादून में हुई, वो मसूरी के झूलाघर पर हुई, खटीमा की घटना भी जो है बहुत महत्वपूर्ण घटना है, मैं ये कह रहा हूँ। आपने तो शहादत को कम कर दिया सुभाष भड़तवाल की, खटीमा में शहादत, इतना आकलन मत करिए, पहाड़ के लिए ही बना है, बिल्कुल बिल्कुल आपने जी। प्रदीप जी,
देखिए तिलक जी, आपने बिल्कुल उन भावनाओं को एक तरह से छूने का वो किया है। ये व्यवस्थाएं तो बनाने से बनेंगी, और दूसरी बात है ये कोई वैसी चीज नहीं है। सुभाष भाई ने साफ गोई से अपनी बात इसलिए कही कि कई चीजें वो पार्टी के अंदर बने हुए हो सकते हैं, क्योंकि कल को सब चीजें देखनी पड़ती हैं। ये जो सच्चाई है मेरे अपने आकलन के हिसाब से, देखिए वास्तविकता ये है कि सरकारें या जनप्रतिनिधि उन शहादतों को कितना याद करते हैं, उन शहादतों को कितना समझते हैं जिन्होंने स्वयं उस आंदोलन का हस्ताक्षर रहे हो। खटीमा में उस प्रतिनिधि के उसको जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मुखिया को वहां ले जाए और वहां पे शहादत दे। ये मिसालें बनती है समाज में कि कोई भी समाज के प्रति, कोई भी किसी उसके प्रति कोई आंदोलन खाली नहीं जाता है। अगर हम अपनी शहादतों को, अगर हम राष्ट्रपिता को याद नहीं करेंगे, अपने अगर हम इंदिरा गांधी जी को याद नहीं करेंगे, सुभाष चंद्र को याद नहीं करेंगे, और आज अपने राज्य के शहीदों को याद नहीं करेंगे, हम क्या इतिहास दे पाएंगे। तो ये एक व्यवस्था बनाने से बनती है। सुभाष भरतवाल जी, पीड़ा समझ में आई? जग जाहिर है तिलक जी, हम जैसे जैसे जो है अपने नायकों का, अपने जो है इतिहास के जो है जो हमारे बड़े लोग हैं उनका प्रशस्ति गान करेंगे, आने वाली पीढ़ियां उसी तरह का जो है अनुसरण करती हैं। ये स्वाभाविक सी बात है। और इसलिए देखिए, हमने ये तय किया है कि हम जो है उत्तराखंड के पाठ्यक्रम में जो है आंदोलनकारियों की जीवन चरित्र को शामिल करने का काम करेंगे। आप, हम आप, जगह मैं जगदेव जी के पास जाऊं, हम मेलों का आयोजन, आप मुझे इतना समझाइए, सुभाष भरतवाल जी पर करने का निर्णय सरकार ने किया है। मैं जगदेव जी के पास जाऊं, कार्यों के सम्मान और उनको सुविधाएं देने की बात है लगातार सरकारें, मेरे को पहले सुभाष जी इतना समझाइए कि आपकी सरकारों ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए किया क्या है। मैं बताता हूं आपको जी। देखिए तिलक भाई, आप देखेगा कि सरकारों ने तो जो भी किया हो, लेकिन आप ये देखें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य आंदोलन के दौरान ही ये कहा था कि जो हुआ ये नरसंहार हुआ, ये अन्याय हुआ, सुभाष भरतवाल जी भाई जो है सरकार को करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार से। सुभाष भरतवाल जी, आप नहीं बता पा रहे राज्य आंदोलनकारियों के लिए किया क्या आपकी सरकार ने, आप नहीं बता पा रहे। एक मिनट रुकिए, पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ जुड़ गए, खटीमा विधायक। धामी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी नमस्कार तिलक भाई, क्या है? बस बढ़िया, कैसे हैं धामी जी आप? जी अच्छा हूँ, आपके आवाज सुनकर और अच्छा हो गया हूँ। धामी जी, खटीमा गोलीकांड जी, शहादत को सलाम नमन, आप तो गए होंगे वहां आज? जी मैं प्रत्येक वर्ष जाता हूँ, और ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्व का दिन है, क्योंकि 1 सितंबर 1994 को हजारों लोगों ने, कम से कम 50,000 लोगों ने क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन किया था। वो प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर जो है उस आंदोलनकारियों की बड़ी भीड़ पर निहत्ते हुए आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई थी, और उसमें 7 लोग यहाँ के शहीद हुए थे। आज के दिन हम उन्हीं शहीदों को नमन करते हैं जिनके कारण से उत्तराखंड राज्य बना है। उत्तराखंड राज्य की जननी सही मायने में खटीमा की धरती है, यहाँ से आंदोलन प्रारंभ हुआ, और उग्र आंदोलन जब यहाँ पर प्रशासन ने किया तो लोग उनके आंदोलन के खिलाफ खड़े हुए, जिसके कारण से पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर लगातार लोगों के अंदर जो है एक जन चेतना आई, और उत्तराखंड राज्य जब प्राप्त हो गया तब तक वो लोग रुके नहीं, जब तक कि राज्य प्राप्त नहीं हुआ। धामी जी जी, सर आप तो इतने समय से विधायक हैं, सीएम साहब आए क्या? जी सीएम साहब एक्चुअली में पहले से पूर्व निर्धारित उनका कार्यक्रम था, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे श्री अजय भट्ट जी, यहाँ पर आए थे, और सीएम साहब ने अभी 4 तारीख को, 4 अगस्त को उनकी अध्यक्षता में जो हमारे सभी विधायकों की मुख्यमंत्री घोषणा से संबंधित उसका एक रिव्यू मीटिंग हुआ था, जिसमें पूरे प्रदेश के आला अधिकारी रहते हैं, उसमें हमारे यहाँ पर जो भी आंदोलनकारियों के 3-4 प्रमुख जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर उन्होंने सीधे सीधे शासन के लोगों को, अधिकारियों को, जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। धामी जी, और धामी जी सर आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपसे सीधा ये पूछ रहा हूँ, इतना बताइए कि सीएम साहब आए थे या नहीं आए थे, बताइए ना सर। सीएम साहब नहीं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, मैंने कहा कि सीएम साहब को क्योंकि पहले से उनका कोई आज बाहर जाने का प्रोग्राम था, इस नाते वो नहीं आए, और हम लोग थे यहाँ पर। आप बीजेपी के अंदर उत्तराखंड में युवा ब्रिगेड माने जाते हैं, मेरे को एक सवाल का जवाब चाहिए था आपसे। लगातार विधायक भी बन रहे हैं आप, अच्छा काम कर रहे हैं तभी विधायक बन रहे होंगे, लेकिन आपके राज में खटीमा के भीतर राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, राज्य आंदोलनकारियों का पूरा सम्मान हम लोग करते हैं, और आज भी हमने कहां पर नमन करते हैं, कोई स्मारक बनाई है आपने वहां पर?
नहीं स्मारक बनने जा रही है, बहुत ही भव्य स्मारक जल्दी ही बनने वाला है, उधर चले थे ना वो लोग। दामी जी पिछले 18 साल से तो हम यही सुन रहे हैं। नहीं बनेगा शहीद स्मारक यहाँ पर बनने जा रहा है। शहीद स्मारक केवल हमारे जो आंदोलनकारी जो सात शहीद हुए थे यहाँ पर उनके लिए आपके पास नहीं रहा है। धामी जी आपके पास जो शहीद हुए, धामी जी आपके पास तो उनकी तस्वीरें भी नहीं है जो शहीद हुए हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तस्वीरों की देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है बहुत ही भव्य शहीद स्मारक बनने जा रहा है और इसके साथ साथ जो धामी जी जो हमारे आप जानते हैं मेरे को नारे पसंद नहीं है सर। सीधा बताइए अगर बन रहा है तो कब बन रहा है, तारीख मेरे को बताइए ताकि हम यहाँ से अनाउंस कर दें। बहुत जल्दी बनने वाला है, बहुत जल्दी तो 15 सालों से बन रहा है। कितनी बार से आप विधायक हैं? 15 सालों की गारंटी नहीं दे सकते लेकिन ये है कि आपको अगले वर्ष तक जो है वहाँ पर शहीद स्मारक मिलेगा। नहीं नहीं पुष्कर सिंह धामी किस आधार पर गारंटी दे रहे हैं? मैं यहाँ का विधायक हूँ और कितनी बार से विधायक है? पार्टी की सरकार मैं मेरी पार्टी की सरकार है इस नाते मैं आपको कह रहा हूँ। और दूसरी बात इस शहीद स्मारक के साथ साथ केवल आंदोलनकारियों का शहीद स्मारक नहीं बनेगा, जो सेना में हमारे यहाँ से 35 से अधिक लोग जो शहीद हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है उनका भी शहीद स्मारक हम वहाँ पर बनाने वाले हैं। कितनी बार से विधायक हैं आप? सीएम साहब को तो बुला नहीं पाए वहाँ, कितनी बार से विधायक हैं जी? नहीं बताए तिलक भाई आप बताइए ना मुझे क्या करना है। मेरे को बस इतना बता दीजिए सर शहीद स्मारक कब बनेगा? नहीं शहीद स्मारक मैंने कहा कि अगले वर्ष जो हमारा एक वर्ष का जो शहीदी दिवस होता है उससे पहले हम शहीद स्मारक बना लेंगे। एक बार फिर से दोहरा दीजिए सर, मैं फिर से ताकि अनाउंस कर दूं। मैं कह रहा हूं कि अगले वर्ष जो है शहीद स्मारक शहीदी दिवस से पहले हम जो है शहीद स्मारक बना लेंगे। आपको और कुछ कहना चाहते हैं? मेरे पास समय का अभाव है। बहुत धन्यवाद, हम उन आंदोलनकारियों को उन शहीदों को नमन करते हैं जिनके कारण से हमको उत्तराखंड राज्य बना है और हम उनका हर अपने तहे दिल से हम उनका सम्मान करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बनाने का संकल्प लेता हूं मैं। पुष्कर सिंह धामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया वॉइस के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ पुष्कर सिंह धामी जुड़े हुए थे। सुभाष भरतवाल जी आपकी सरकार, आपके विधायक, आपके सांसद, सत्ता आपकी, राज्य आंदोलनकारियों के लिए किया क्या? वैसे वो बता रहे हैं एक साल के अंदर भीतर अब मैं बनवा दूंगा, 18 साल से नहीं बना बनवाएंगे। आप बताइए आपकी सरकार ने किया क्या, फिर मैं जगदेव जी के पास जाऊं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं वो जी। तिलक भाई आप देखिए सरकारी नौकरियों में जो है उनके लिए जो है प्रावधान किया गया है, जो शहीद है उनके परिजन जो है सरकारी नौकरियों में गए हैं, जो 7 दिन से अधिक वाले लोग जो जेल में रहे उनको नौकरियां मिली हैं, की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो पेंशन की व्यवस्था हुई है जिन्होंने जो है नौकरी नहीं मिली उनको पेंशन की व्यवस्था हुई है, की बात कर रहे हैं। सक्रिय आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण लगातार जारी है उसका अलग से जो है पेंशन की व्यवस्था राज्य आंदोलनकारी उसकी भी बात कर रहा हूं चिन्हीकरण कर लिया राज्य आंदोलनकारियों का। माननीय वित्त मंत्री जी ने कल ही जो है आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण कर लिया, आंदोलनकारियों के कार्यक्रम में ये कहा है राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण कर लिया सुभाष भरतवाल, राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण हो गया चिन्हीकरण देखिए चिन्हीकरण की जो अंतिम तिथि थी उसको बढ़ाने की भी बात कही है। प्रदीप जी आप अपनी बात रखिए, फिर जगदेव जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी जो लोग छूट गए प्रदीप जी संतुष्ट हैं चिन्हीकरण की प्रक्रिया को, संतुष्ट हैं। सुनिए ये सुभाष भरतवाल की आप राज्य आंदोलनकारी का और बीजेपी नेता ज्यादा हो गए हैं। प्रदीप कुकरेती जी संतुष्ट हैं? देखिए वर्तमान बिल्कुल वर्तमान सरकार के जैसे ही मुखिया ने अपना रावत जी ने अपना कार्यभार लिया था उनको तत्काल हमने बधाई के साथ ये कहा था कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षतिज आरक्षण बिल्कुल बंद है, चिन्हीकरण बिल्कुल बंद है, तमाम सुविधाएं की जो सुविधाएं अस्पताल की जो सुविधाएं वो बंद है। तो तमाम जो इस प्रकार से असल में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वो आते हैं RSS की तरफ से और मैं समझता हूं कि उनका राज्य आंदोलन की तरफ इतना अपने आप को राज्य आंदोलनकारी बताने के लिए तो मुख्यमंत्री ने तत्काल जो है जल्दी करी, लेकिन जब सुविधा और उनके कल्याण की बात आई उनकी मांगों की बात आई तो मुख्यमंत्री हमेशा मौन साधे हुए हैं। आज भी स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है आंदोलनकारी मंच अपनी पैरवी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है रसीद छाप के, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने 90 दिन का समय दिया था लेकिन सरकार ने वहां पैरोकारी नहीं करी, सुभाष भरतवाल जी आपके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे जो प्रदीप जी खड़े कर रहे हैं। ये किया राज्य आंदोलनकारियों के लिए आप लोगों की सरकार ने, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा,
यह हकीकत है। जगदेव जी एक सेकंड आराम से, आरक्षण का विषय है उस पर हम जो अध्यादेश लाने का वादा कर चुके हैं सर, चिन्हीकरण तो कर नहीं पाए राज्य आंदोलनकारियों का। अब देखिए आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, विचाराधीन है वो तो न्यायालय में न्यायालय के तरीके से कानूनी तरीके से लड़ी जाएंगी। सर मैं दूसरे मुद्दे पर भी आऊंगा, आपने क्या किया राज्य आंदोलनकारियों के लिए बताइएगा। ना सड़क बनवाई, ना शहीद स्मारक बनाया, ना मुख्यमंत्री जी आते हैं, ना क्षेत्रीय आरक्षण मिला, और फिर भी कहते हैं हमने राज्य आंदोलनकारियों के लिए बहुत कुछ किया आपकी लोग इस सरकार में। एक सेकंड, नहीं शहीद स्मारक क्यों नहीं बनाए सर? अरे सर हुजूर सर, जहां जहां जिन जनपदों में जो जो जहां पर शहीद हुए उनके नाम पर जो स्मारक बने हुए हैं सर, देहरादून में बना, मसूरी में बना, ऋषिकेश में बना, घंटाघर पे इंद्रमणि बड़ोनी जी की तस्वीर के सामने कितने लोग जाते हैं फोटो खिंचवा रहे हैं, मुझे सब मालूम है, मुझे मत बताइए सुभाष बड़वाल। आप चर्चा करेंगे, बहस करेंगे सर? सर मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, मेरे मुद्दे पर आने दीजिए। जगदेव जी, जी जगदेव जी थोड़ी सी लेट आए आपके पास, उसके लिए माफी के साथ, क्योंकि आपने यहाँ पर कहा कि हमें खेद है कि खटीमा में गोलियां चली, हमें खेद है रामपुर तिराहे पर अस्मत लूटी गई महिलाओं की, हमें खेद है मसूरी में भी गोलियां चली, लेकिन आज तो खुश होते होंगे ना आप कि देखिए हमसे अलग होकर हमारा छोटा भाई उत्तराखंड बढ़ रहा है, कम से कम इन्हें अपने संसाधनों का हक मिलना चाहिए, इसकी पैरवी तो कर सकते हैं आप? नहीं नवीन जी, बिल्कुल देखिए एक जनता की बात थी, जन आंदोलन हुआ और उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बनने बाद जो आज की हकीकत है नेताओं की नेतागिरी चमक गई, भारतीय जनता पार्टी की नेता पहले मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के बनी, बीजेपी बनी, इनकी इनकी नेता, लेकिन वहाँ के लोगों को आंदोलनकारियों को क्या मिला वो छोड़ दीजिए, जिनके शहीद हुए उनके परिवारों को क्या मिला, आज भी देख रहे हैं सामने बेचारे रो रहे हैं, न उनको नौकरी मिली, न कोई संसाधन मिले, न कोई व्यवस्था हुई, उत्तराखंड की है। जगदेव यादव जिस गोलियां चली थी वो यूपी सरकार की गोलियां चली थी, वो इसलिए आज रो रहे हैं जिस पर आपने अफसोस जताया थोड़ी देर पहले, वो इसलिए रो रहे हैं आज, आज वो रो रहे हैं, आज रो रहे हैं कि मुझे खाने को नहीं, मैं परेशान हूँ, सुभाष बड़वाल कह रहे हैं। और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी, ये सपा वालों का तर्क है सुभाष बड़वाल, उसकी कौन व्यवस्था मेंटेन के लिए करना कीजिए। और मैं कह रहा हूँ जो लोग अपने राजनीतिक रुपया सेक रहे हैं, जिनकी सरकारें बन रही है, जो लाभ मिला है उन्हें उनके कार्य में जुड़े देख रहा है, उनको विकास करना चाहिए, नौकरियां देना चाहिए, तमाम काम करना चाहिए, और वो छोटी सी बात जब शहीदों के स्मारक नहीं बना पाए, शहीदों के लिए उनके परिवार को सुरक्षा नहीं दे पाए, यहाँ पर काम उनके उनके शहीद पर जाने जाने की जगह नहीं कर पाए, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और कांग्रेस के लोग जिम्मेदार है। लोगों की एक सेकंड सुभाष जी, सुभाष जी का समय खत्म हो रहा है, बहुत है बहुत है, सवाल रहते हैं बाकी, एक सेकंड एक सेकंड, सरकार में रहते हैं एक सेकंड, भारतीय सरकार होती तो आप करके दिखाते, मेरा जिम्मेदारी उसके खत्म हो गई सुभाष जी, एक सेकंड, उनकी जिम्मेदारी बनती, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जगदेव जी प्राकृतिक संसाधनों पर हक तो मिल गया, लेकिन जो दूसरे संसाधन है उस पर अभी तक हक नहीं मिला, बड़े भैया आप लोग हैं, इनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? देखिए कई कई बार बात हुई है संसाधन के बंटवारे को लेकर के, और वर्तमान सरकार जो रही है दोनों के बैठ के भी बात हुई, और आज तो डबल इंजन है, आज तो यहाँ सरकार भाजपा की है, वहां सरकार भाजपा की है, अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? पिछली बार रंगेबाजी हो जाती थी केंद्र से, होने नहीं दिया, अब तो कोई रंगेबाजी सवाल नहीं पड़ता, एक तो, बढ़िया अवसर, आप तो बोगड़ा जी को बुलाते थे यहाँ आते थे, ये डबल इंजन जी को तो आपने भी बुलाया, जनता पार्टी यहाँ भी है, क्यों बोगड़ा जी को आपने नहीं बुलाया क्या? यहाँ भी है, इनको संसाधन बंटवारा कर लेना चाहिए, हाँ संसाधनों का बंटवारा आपने कितनी कोशिश की, बोगड़ा जी को बुलाया था क्या हुआ? बोगड़ा जी जब थे तब भी यूपीए सरकार थी वहाँ पे, यहाँ बोगड़ा जी तब भी कर लेना चाहिए था, तब क्या हुआ? वही तो पूछ रहा हूँ, कोई अब तो वो बीजेपी वाले कहाँ जिम्मेदारी बनती, कहाँ से बनती है? खैर एक सेकंड एक सेकंड, अब इनकी जिम्मेदारी प्लीज एक सेकंड, जगदेव जी प्लीज एक सेकंड एक सेकंड, सुभाष बड़वाल जी ये जिम्मेदारी भगे तो समाजवादी क्या करेंगे? जगदेव जी एक सेकंड, सुभाष जी कुछ चुनिंदा सवाल पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर प्रदीप जी आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। राज्य आंदोलनकारियों की अवधारणा, आरक्षण क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तमाम सवाल जो मैंने आपके सामने खड़े किए उन सवालों का जवाब नहीं मिला। राज्य आंदोलनकारियों की अवधारणा गैरसैंण, उसको लेकर आपकी सरकार की चुप्पी, क्या मालूम है? नहीं गैरसैंण तो हमने राजधानी घोषित कर दी,
वहां ग्रीष्मकालीन सत्र जो है हमने आहूत कर दिया, वो राजधानी बाकायदा बन चुकी है, उस पर अब कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, वो राजधानी बन चुकी है। तिलक जी, बड़ा दुख होता है इस बात को लेके कि जी सर, देखिए जो है 10% 33 आरक्षण वाली जहां तक बात है, पिछले 5 साल से हमारा आंदोलनकारी एक फॉर्म भरने के लिए तरस रहा है, उस पोस्ट के लिए तरस रहा है, और कईयों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनको बाहर निकाल दिया गया, और कानूनी पेच में ये लोग, इन्होंने लंबा जंबो जेट वकीलों का खड़ा किया हुआ है जो केवल पेमेंट होता है और अपनी बात वहां नहीं रखते हैं। दूसरी बात, राजधानी का आज हमने इन सब बिंदुओं को लेकर, 4-5 बिंदुओं को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। राजधानी की जहां तक बात है, ये उस आदेश को क्यों नहीं खारिज करते कि जो रायपुर में जो जमीन का जो आवंटन राजधानी जो विधानसभा के नाम के लिए बनाया जा रहा है उसको खारिज क्यों नहीं करते हैं? स्थायी राजधानी के लिए साफ साफ सर्वदलीय बैठक बुला के, वो खंडवी जी के टाइम की जो पूरी जो कौशिक समिति या जितनी भी जो समितियों की जो रिपोर्ट जो बनके आई थी, कॉमन मीटिंग बोल के आया था, उसको क्यों नहीं सार्वजनिक करते? रायपुर वाली जमीन की बात नहीं करेंगे जी, वो किसके लिए समझ में नहीं आती। हरीश रावत जी ने गुमराह करने की कोशिश करी थी, ठीक है, रायपुर में कोई जमीन नहीं है, रायपुर में कोई जमीन नहीं है, वो सचिवालय के लिए, वो सचिवालय के लिए अधिकृत की गई थी। अच्छा, सचिवालय यहाँ होगा, राजधानी वहाँ होगी, गैरसैंण में। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष भरतवाल जी। राज्य आंदोलनकारियों की जिक्र करने वाली सरकार जरा इस बारे में भी सोचिए कि उनकी स्मारक क्यों जरूरी नहीं है, और क्यों खटीमा नहीं गए मुख्यमंत्री, इस बारे में भी सोचिएगा। और ये क्षेत्रीय आरक्षण का जिक्र जो प्रदीप जी कर रहे थे उसके बारे में भी सोचिएगा, और गैरसैंण के बारे में भी सोचिएगा। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना भी बाकी है। सुभाष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जगदेव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहां पर सवाल खत्म नहीं होते। दरअसल सपनों का उत्तराखंड तभी मिलेगा जब जल बचेगा, जंगल बचेगा और जमीन बचेगी, लेकिन आज हालात आपके सामने हैं। लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहनी चाहिए, क्या पता सपनों का उत्तराखंड जल्द ही सपने साकार करे। मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला इंडिया वॉइस पर जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।